I have a dream, that's all I need. I'm gonna get up and do some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's make it time for a minute. I want the crown, I'll get it. You give me my man, I'm winning. Yeah, jealousy will be granted. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Maybe not. बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और आज आए हुए 77 प्लेयर्स, जो कि काफी खुशी की बात है. और थैंक्स फॉर द कमिंग माय ब्रदर फौजी भाई, जो कि काफी मतलब ये लौंडा बोलता है भाई तू बंदे अच्छे ला तो मेरे को बोला. दैट मींस कि इसको मतलब गाचो बूम बाम गेम चाहिए. बिल्कुल बूम बाम. हम लोग का प्लेन रोटेशन जॉर्ज पुल धरती से लेके मिलिट्री बेस आगे बंदों को भी ड्रॉप कर देगा. देखते कितने बंदे कहां कूदते हैं. तो हम लोग फौजी की टीम कूद चुकी है जॉर्ज पुल की तरफ और ये लौंडे पूरा बूम बाम मतलब खत्म कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है. और टीम नंबर 21 भी जॉर्ज पुल आई. टीम नंबर 14 को हम लोग देखेंगे, जो कि टीम नंबर 14 का एक ही बंदा आया हुआ है प्रतीक. फौजी विक्की को शॉटगन मिल चुकी है तो एक बंदे ने वीएन पांजी ने एक बंदे को नॉक कर दिया शॉटगन से, जो कि जॉर्ज पुल में है. आइस स्नाइपर ने एक बंदे को नॉक किया हाइड्रो सैफ को. आइस स्नाइपर को हम लोग देखेंगे, जो कि भाई ओपी मारते हैं. बंदा अकेला ही घुस के मार देता है. एनएसएल ने म्यूटेंट वाइपर को नॉक किया तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो चुका है. एनएसएल वन भी फोर कर रहे हैं, इसके दो बंदे ऑल आउट चुके हैं. फौजी ने एक बंदे को खत्म किया और लगता है एनएसएल भी निपट सकते हैं बहुत ही सही बच्चे की कोशिश. बट ईगल अमन ने बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया, खत्म कर दिया. क्वीन सारा अनदर साइड आ चुकी है. आइस अटैक ने चूतिया को नॉक कर दिया और उसी के साथ टीम नंबर 7 ने जो है फिनिश कर दिया. यहाँ पे अटैक ने चूतिया को खत्म भी कर दिया. फौजी विकी ने वाइपर फैस को नॉक कर खत्म ही कर दिया. यहाँ पे वीएन पंच काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं बंदों को खत्म करने की. अकेले ही सोलो वर्सेस स्क्वाड रश कर रहा है लौंडा, देखते हैं क्या कर पाता है. इशाम इमरान ने बहुत ही अच्छा शॉट लिया यहाँ पे और बंदे को फिनिश कर दिया. यूपी रेबल सक्सा ने यूपी अरहान को स्पॉट कर लिया और सलार से नॉक करने की पूरी कोशिश की बट नॉक नहीं हुआ यूपी अरहान. उसी के साथ आरबीएल निजान भी काफी ज्यादा पुश कर चुके तो अरहान की काफी ज्यादा हालत पतली हो चुकी है. यूपी मिस्त्री को शॉटगन मिल चुकी है. इन बंदों को शॉटगन ही मिल रही है भाई, लौंडे के पास कुछ है ही नहीं. लगता है ये लोग निपट सकते हैं बराबर. आयस स्नाइपर ने रेड जैद को नॉक किया. आयस स्नाइपर काफी तगड़ा रश कर रहे हैं भाई. इन्होंने अपने दोनों बंदों को उठा लिया. ओपी बहुत ही अच्छा नॉक किया केजे फिरमान को. सारा क्वीन भी आ रही है और जस्ट बहुत ही अच्छा बचे. अनदर साइड इनके बैकअप दिया गया. म्यूटेंट ट्रिक ने बहुत ही अच्छा बैकअप दिया. सारा क्वीन को नॉक कर दिया इन्होंने. सामने से एर रहमान आ रहे हैं, स्क्वाड को वाइप कर दिया. टीम नंबर 18 ने पूरा नोवा खाली कर दिया इन लोगों ने. ऐसे स्नाइपर का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे, देखने में आ ही रहा है इन लोगों को. किलर जो काफी ज्यादा मुसीबत में है और चिस्ट बंदा नॉकी कर सकता था बट चार बंदों के बीच फंस गए लौंडा और बॉट की टीम ने घुस के भिड़ा दिया. बॉट की टीम ने टीम नंबर 1 ने भिड़ा दिया. बॉट की टीम भी नॉक हो चुकी है. बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया गया टीए सानू की तरफ से. तो टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 17 के बीच अब फाइट हो सकती है. फौजी रोहित को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही ओपी कोशिश की लौंडे ने बट बंदा नीचे गिरा. सुपर हैडी ने नेट से एक बंदे को नॉक किया. स्ट्रॉन्ग इमरान काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा लौंडे ने कोशिश किया था बट बंदा बच गया. बैड डैड अनदर साइड से रोटे मतलब जो है टीपीपी ले रही है. फौजी विक्की ने एक बंदे को डाउन किया. हार्टलेस को हम लोग देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा बंदे रिपोर्ट कर रहे बट आईएनडी बाबू ने काफी अच्छा दिया. फौजी विक्की ने एक बंदे को नॉक, एक और बंदे को नॉक करने की पूरी कोशिश. इश्राम इमरान को जस्ट 1 HP बचे. इश्राम इमरान अपने आप को हिल मान ले. बैड डैड ने हार्टलेस को खत्म कर दिया. फौजी रोहित ने द किंग को खत्म कर दिया. बहुत ही सही जगह लौंडा. कोबरा किंग ने कुंभकर्ण को नॉक किया. एसआईएल ने मेजर अंसारी को नॉक किया बहुत ही अच्छी तरीके से. विक्की ने नॉक किया. डेविल अंसारी बचे हैं. रोहित ने नॉक किया था भाई विक्की ने. और लास्ट बंद आईएनडी बाबो लास्ट बंदे को भी खत्म कर दिया गया.
एजीडीजेड और हजार थॉर की टीम बिल्कुल काला बहुआ के साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया था डी शर्ट ने। अटैक ने बहुत ही अच्छी कोशिश की बट कोई बंदा ऊपर है ही नहीं, सारे बंदे नीचे आ गए तो कहां से स्प्रे पड़ेगा। लौंडे लौंडे दो बंदे को ऊपर रश कर चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने देखा होगा कि दो ही बंदे बचे, एडी टी शर्ट उतर चुके। हम लोग देखेंगे अटैक को जस्ट बहुत अच्छी कोशिश की बट हजार तौर भी उनका दिमाग काफी ज्यादा तेज चल गया यहाँ पे, वो लोग बाहर आ चुके हैं। मतलब जो है लौंडा ज्यादा दिमाग चला दिया, बाहर वाले बंदे को पहले निपटा दिया। उसके साथ टीम नंबर 19 की ब्लेंडिन काफी ज्यादा पीछे चली गई है। ब्लेंडिन बहुत ही सही पोजीशन पे पीछे से इनको बैकअप भी मिल चुका है। विकिंग ने काफी अच्छी कोशिश की बट हजार टॉप ने नॉक कर दिया। हजार टॉप ने भी अनदर साइड से फिर एक और बंदे को नॉक किया। मिस्टर हंटर ने काफी अच्छा बैकअप दिया था। यहाँ पर टीम नंबर 22 काफी ज्यादा दिक्कत में है, टीम नंबर 22 काफी ज्यादा दिक्कत में थी बट ब्लेंडिन ने संभाल लिया भाई। ब्लेडी ने लास्ट बंदे को खत्म कर दिया। टीम नंबर 15 आ चुकी है स्क्वाड हाउस और सामने ही बंदे काफी ज्यादा लेट हैं ऑलरेडी। बहुत ज्यादा दिक्कत में कोबरा की टीम अनदर साइड से डीएस कोबरा किंग को नॉक कर दिया डीएस ने। मौली से जली ना मौली से एक खूबसूरत सा नेट शायद से सुपर हैडी करने की पूरी कोशिश करेंगे बट लगता है किसी के पास नेट की काफी ज्यादा कमी है। अल्फा डायनेमो डीएस सानू को नॉक किया। अल्फा डायनेमो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे बंदे को गिराने की। उसी तरफ से टीम नंबर 16 कुछ करे तो बहुत ही ज्यादा सही हो सकता है। अनदर साइड से टीम नंबर 1 भी आ चुकी है, ऊपर से टीम नंबर 19 भी काफी ज्यादा प्रेशर दे रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में ये लोग। कोबरे ने काफी अच्छा स्पॉट किया एक बंदे को और बहुत ही अच्छा डाउन किया एक और बंदे को। दूसरा एक बंदा आ चुका है और उसे कोबरा आते ने बहुत ही अच्छा नॉक किया और स्पॉट को फिनिश कर दिया। अनदर साइड से थर्ड पार्टी हो गई भाई। टीम नंबर 19 ने इस मौके का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। टीम नंबर फरहान 07 की टीम फिनिश हो चुकी। उसी के बाद का फायदा उठाते हुए हजार सफी ने एक प्यारा सा नेड को किया और शायद से कोबरा कोबरी नॉक नहीं, नेड नीचे चला गया। कोबरा कोबरी जा सकते थे और कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ। कोबरा अमन बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ चुका है। अगर बहुत ही अच्छा नेड खूबसूरत मिस्टर हंटर ने किया, मिस्टर हंटर ने खुद को ही नॉक किया। दूसरी तरफ से अपने बंदे को भी नॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे टीम नंबर 19 की और पीछे टीम नंबर 1 भी टैकर ची पॉट समीर के साथ। आयन ने फौजी विकी को नॉक किया, आयन ने आई एन डी बाबो को भी नॉक किया। टीम नंबर 15 भी उठ चुकी है, बहुत ही कमासान युद्ध। बैड डैड ने कैसे आयन को, आईसो स्नाइपर ने बैड डैड को नॉक किया। टीम नंबर 19 की टीम जो है ऊपर रश कर चुकी है बिल्कुल। कोबरा आतिक ने बहुत ही अच्छा मौके का फायदा उठाया। उसी के साथ हजार सफी ने काफी अच्छी पोजीशन में नॉक किया दूसरे बंदे को। कोबरा कोबरी को भी नॉक किया। हजार सफी ने लास्ट बंदा भी बचा हुआ है, जस्ट 1 HP बचे हुआ और बहुत अच्छा कोबरा अमन ने जस्ट 1 HP पे अपने आप को अपनी टीम को भी बचा लिया, अपने आप को भी बचा लिया। जस्ट 1 HP क्लच टू टीम नंबर 3 डीएस की टीम के पास बिल्कुल। अब उधर जो है काफी ज्यादा रोटेशन ले चुके हैं और कोबरा सुदेश जा ही सकते थे। टीम नंबर 2 बिल्कुल आगे प्रस्थान पर लग चुकी है और डीएस सानू काफी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं बहुत ही ओपी तरीके से। टीम नंबर 10 डीएस सानू को हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त देख रहे हैं दो लौंडों को ये निपटा ही सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत सामने डीएस अर्षद डीएस अर्षद ने बहुत ही अच्छा एक ऊपर रखा और बंदी को नॉक किया। बट बहुआ काफी ज्यादा कोशिश कर रही है, अबूदर को खत्म कर दिया गया है। पीछे से टीम नंबर 10 भी आ चुकी है यूपी की टीम। यूपी आर हान और यूपी
मिजदूर काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, यूपी अरहान तो नौ खरीद चुके हैं बिल्कुल, बट पौआ काफी ज्यादा टीपीपी ले रहे हैं कि अनादर बंदे भी आ और यूपी मेरा मिजदूर को भी नौ कर ही सकते हैं। बट यूपी मिजान ने काफी अच्छा प्रभाव दिया यहाँ पे, हम लोग देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा शॉट लिया था। यूपी मिजान के ऊपर पूरा प्रेशर इस वक्त अपने आप को उठा रहे हैं, बट सामने स्पॉट कर लिया और खत्म कर दिया गया यहाँ पे यूपी की टीम को भी खत्म कर दिया स्पॉट। नंबर 18 टीम नंबर 12 की फायर हम लोग देख सकते हैं जो कि आइस स्नाइपर के मौके पर बहुत ही अच्छा चौका निकालते हैं और सामने रेबल निजार है और सामने वाले बंदे भी बहुत ही हार्ड है, हम लोग देख ही सकते हैं 10 किल्स हो चुकी है इन लॉन्डो की। इन्हीं की फाइट हुई थी रोहित की टीम से, बहुत ही अच्छा शॉट ले रेबल स्पार्की ने, वन शॉट डाउन विद एसएलआर के साथ स्पार्की की टीम रश करने के मूड में क्योंकि सामने वाली टीम काफी ज्यादा तगड़ी, अगर आइस स्नाइपर उठते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अनदर साइड सिर्फ म्यूटेंट वाइपर ही म्यूटेंट की टीम है पूरी बहुत अच्छी तरीके से, अनदर साइड से टीम नंबर 15 भी आ रही है, पूरा रोटेट कर रहे हैं ये लोग टीम नंबर 18 को फंसाने की पूरी चाल, रेबल स्पार्की बहुत अच्छी तरीके से आ चुके हैं, म्यूटेंट रेगा स्नाइपर को उठा चुके हैं, इसी के साथ एक नेट बॉल ब्यूटीफुल किया जा रहा है बट वहां तक रिपेंट पहुंचेगा नहीं, फैजान साइड जस्ट स्पॉट हो सकते, कोबरा कोबरी ने बहुत अच्छा स्पॉट किया और नॉक करने की पूरी कोशिश बट बंदा नॉक नहीं हुआ, प्राउन हो गया, बहुत ही सही तरीके से फैजान नॉक हुए, नॉक करने की पूरी कोशिश बहुत ही अच्छा नॉक किया गया, अनदर साइड से कोबरा कोबरी ने नॉक किया था और इसी के साथ स्टोमैटिक के ऊपर पुश हो चुका है, स्टोमैटिक ने बहुत ही अच्छी कोशिश की बट जस्ट मिस कर गया और बहुत ही खूबसूरत करने की पूरी कोशिश, नेट तो ही चुका बट अनदर साइड कोबरा आतिक ने फैजान साइड को नेट से खत्म कर दिया, जो कि इसी के साथ कोबरा आतिक पूरी कोशिश कर रहे हैं उठ चुके हैं और लगता है यहाँ पे शॉम आतिक जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्राउच एंड शूट कोबरा आतिक को हम लोग को देखने में आया, बट 12 की टीम नंबर 1 के पास आ चुकी है और ये लोग बुलेट थानस को गाड़ी से नॉक कर दिया गया आई थिंक से और टैकर जी फिर नॉक हो चुके हैं और एक ही बंदा बचा हुआ एवेंजर और इसको भी खत्म कर दिया गया, जस्ट वन सेकेंड फिनिश शॉट थी ये, आइस स्नाइपर ने काफी अच्छा शॉट लिया, बहुत ही खूबसूरत म्यूटेंट वाइपर ने पंडित आकिब को भी नॉक किया और इसी के साथ ये लोग रश कर रहे हैं क्योंकि दिक्कत में है, रेबल स्पार्की का स्प्रे हम लोग को देखने में आएगा लगता है, रेबल स्पार्की जान रहे कि सामने वाली टीम काफी अच्छी है और अभी कुछ नहीं कर रहे, इससे ला रहे भाई इन्होंने वन शॉट नॉक निकाला था, आइस स्नाइपर वर्सेस रेबल स्पार्की दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल एक धांसू मीटर ट्रिंक बहुत ही अच्छी जगह पे और लगता है गाड़ी में बैठा हुआ रेबल सकता है नॉक हो सकता है बहुत अच्छा नॉक, बट रेबल स्पार्की ने स्पॉट कर लिया, उसी के साथ म्यूटेंट वाइपर भी घुस रहे हैं और आइस स्नाइपर की नॉक करने की पूरी कोशिश, बहुत ही अच्छा नॉक किया रेबल स्पार्की ने दूसरे बंदे को, लास्ट बंदा बचा हुआ है बहुत ही अच्छा, तीसरे बंदे को भी लपेट दिया रेबल स्पार्की ने, इसी के साथ उबरातिक ने रेबल सिक्का को खत्म कर दिया डीपी से जो कि पहले से नॉक पड़ा हुआ था, अनदर साइड से रोटेट कर ले रही है, बहुत ही अच्छा नॉक किया इतना जस्ट बच गया वन शॉट पे, नंबर 2 ने भी काफी ज्यादा पुशअप कर चुके मतलब काफी ज्यादा क्लोजिंग कर चुके हैं, टीम नंबर 12 अंदर है, नेट वेटिंग किया जा चुका है, आरबीएल मिजान ने काफी अच्छा नॉक स्पॉट आउट करके नॉक किया, दूसरा बंदा भी नॉक हो सकता था बट नॉक नहीं हुआ, रेबल स्पार्की मौके पे चौका मारने के लिए आ चुके हैं, टीम नंबर 4 ने काफी अच्छा टीम नंबर 15 के ऊपर स्प्रे दिया बट टीम नंबर 15 अपने आप को संभाल चुकी है, केस पे जैश को फिनिश कर दिया कोबरा कोबरी ने, रेबल स्पार्की नॉकडाउन हो चुके, रेबल मिजान को ही संभालना पड़ रहा है और एक ही बंदा बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जस्ट अपने आप को बचाने के लिए वो भाग रहा है और स्पॉट फिनिश हो सकती है, बहुत ही रेबल मिजान ने यहाँ पर कवर अप किया और उसी के साथ पकड़ लिया अपने बंदे को, उसी के साथ टीम नंबर 15 में इसी और आ रही है, लगता है इनको का बचना ही सही नहीं है शायद से, रेबल स्पार्की अगर उठ सकते तो अंदर तुरंत इनको भागना पड़ेगा क्योंकि अनदर साइड से काफी ज्यादा टीम पुश कर रही है, रेबल स्पार्की बच गए भाई जी, टीम काम ही बिल्कुल यहीं पे आ चुकी, टीम नंबर काम ही 25
कोबरा सुदेश, कोबरा सुदेश और सामने एक सामने से कोबरा रिवर्स पार्किंग के अंदर नॉक डाउन कर रहे हैं, ये लोग पुश कर रहे हैं कॉम्बो कोबरा। रेबल मिजान ने बहुत अच्छी कोशिश की अपने बंदे को नॉक करने की, अपने बंदे को बचाने की, नॉट नॉक करने की। तीन टीमें छह बंदे अभी भी अलाइव हैं। कोबरा आतिक पुश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नेट किया गया बट रिवर्स स्पार्की उठ चुके हैं और यहां से फॉल बैक थोड़ा बहुत लेंगे, बहुत ही सही एक नेट किया जा रहा है और एक मौली और बहुत ही अच्छा कोबरा कॉपरी ने नेट गया यहां पे। दोनों बंदों की हील डाउन डाउन हील या हील डाउन हुई और कोबरा कॉपरी और हाथों में नेट आ गया था, देखते हैं क्या होता है, हाथों में नेट आ गया था। टीम नंबर 15 ने फिनिश कर दिया अपने बंदे को डाल दिया, अल्फा डायनो बचेंगे अभी भी सर्वाइव कर ले 5 किल्स के साथ। ये टीम नंबर 7 के लिए घूम रहे हैं बिल्कुल और इन्होंने शायद से स्पॉट कर लिया क्या कर लिया, हाँ शायद से स्पॉट कर लिया। और जस्ट रिलोडिंग में फंस गया बंदा और बहुत ही अच्छा पीछे से बैकअप दिया गया। कोबरा की टीम हैज द विनर।